हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, रचित स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी क्यूट स्वीट बट सीरियस चीज़ों के साथ और बहुत मतलब माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, प्लस डॉक्टरी साइड भी है, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। बट चलो कुछ अच्छी चीज़ है क्योंकि कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, वरना हर बार सीईओ देख देख के तो मैं तो बोर हो गई हूँ, है ना। अगर आप लोग भी हो गए हो तो डेफिनेटली इस स्टोरी को जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को हंसाएगी भी, है ना, मतलब वो क्यूट स्वीट मूवमेंट्स। बाकी पूरी डिटेल्स क्या है जाने के लिए तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई हॉट डॉक्टर हबी, और ये आप लोग को ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट में भी मिल जाएगी। 4.5 इसकी रेटिंग है। इसके जो ऑथर है उनका नाम है अंजू यादव, और इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 39 ऑलमोस्ट, मैंने सारे पढ़ लिए हैं, एक रह गया एंड वाला, वो शायद अभी आया है इस वजह से मैंने वो नहीं पढ़ा, बट चलो कोई बात नहीं। जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अर्थ सिंघानिया और पीहू जिंदल, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये कहानी है अर्थ सिंघानिया और पीहू जिंदल की, जहाँ अर्थ सिंघानिया वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह AS माफिया, और पीहू जिंदल एक मासूम सी प्यारी सी नखट और चुलबुली सी बेहद खूबसूरत लड़की है, जिसकी उम्र केवल 18 वर्ष है, सॉरी। और अर्थ सिंघानिया एक 28 साल का हैंडसम डॉक्टर, साथ ही साथ गुस्सेल माफिया किंग। तो कैसे इनके बीच प्यार पनपेगा? अब वो तो देखो यार, पनपता ये प्यार के फूल तो खिल नहीं होते हैं, चाहे हमारा हीरो जो है वो कितना ही रूड हो, एरोगेंट हो, मतलब चाहे हमारा हीरो कितना ही रूड हो, अटपटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, प्यार तो होना ही है, ठीक है। मतलब प्यार के फूल तो खिलने ही हैं, चाहे मधुमक्खियाँ आएँ चाहे भंवरे आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या सीन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो हमारे हीरो हैं, क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को हमारे हीरो का, अर्थ, हाँ, वो जो हैं पीहू के भाई के दोस्त हैं। पीहू के जो भाई हैं वो भी जो हैं डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ वो भी माफिया में सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे हीरो के बाद, ठीक है। तो इनकी दोस्ती यारी तो बहुत फेमस है, साथ में ये बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। देख रहे हो कि कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं यार ये लोग, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं। पैसे की तो फिर कोई कमी नहीं है, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ और है फ्री में जो मिलती है हमेशा, वो है दुश्मन। और तो और फिर तुम्हारे, तुम जो दूसरे लोगों को मतलब टारगेट करते हो, कुछ गलत कर रहे होते हैं वो लोग, तो तुम उनको रोकते हो, तो तुम भी एक निशाने पर आ जाते हो ना उन लोगों के, वही चीज़। फिर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? तुम्हारे आसपास जो मासूम लोग होते हैं उनको। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हमारे जो सेकेंड हीरो हैं पीहू के भाई, वो जो है अपनी बहन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, और उनको जो है मतलब एकदम ऐसे एक शील्ड में जो है वो रखा गया है। पीहू की फैमिली की बात की जाए तो उनके भाई के अलावा उनकी फैमिली में उनके डैड, उनकी दादी, ये आप लोग को देखने को मिलते हैं, और वो लोग जो है मतलब पीहू को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम संभाल के गुड़िया की तरह जो है उसको रखा गया है। तो उसको बाहर की दुनिया की समझ नहीं है। अब समझ आया आप लोगों की क्यों मैंने क्यूट स्वीट बोला? हाँ, वो बहुत सारी ऐसी हरकतें भी करती हैं जहाँ पर वो थोड़ी बचकानी सी भी लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी हीरोइन को हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज वो क्यूटनेस हमें फिर भी पसंद आ जाती है ना। तो वो होती इतनी इनोसेंट है कि हम नकार ही नहीं पाते हैं उनकी बातों को, हमें लगता है हाँ यही ही सही है। और हमारे हीरो जो हैं उनकी बात की जाए तो देखो, उनकी लाइफ की चीज़ें वो मैं अभी पूरे नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद ही पढ़ लोगे कि उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स फैमिली का वाला क्या सीन है, वो आप लोग खुद पढ़ लेना, हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगी। एक तरफ का बता दिया ना तो दोनों तरफ को बताना ज़रूरी नहीं होता, इन दोनों की स्टोरी पर फोकस कर लेते हैं, है ना। तो जो पहली मुलाकात होती है वो तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद होती है, लेकिन फाइनली इनकी पहली मुलाकात जो है वो हो जाती है, और फिर क्या था, हमारे हीरो जो है वो पहली नज़र में इनको पसंद करने लग जाते हैं, और फिर चाहते हैं कि काश इसके पास मैं हमेशा रहूं और मुझे यही सुकून जो है मैं जो इतने टाइम से ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिले। अब सुकून की तलाश आखिर किसको नहीं होती? हमारे हीरोज़ को तो हमेशा ही होती है, क्योंकि उनको कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता, और कहाँ मिलता है फिर उनको? हमारी हीरोइन के पास, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं, वो उनको ऐसा फील करवाती हैं, कंफर्टेबल, सेफ, सिक्योर, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हीरो ही करवाए, तो हाँ मान लिया उनके पास मतलब पावर है, पैसा है, और तो और उनके कनेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, बट चलो ठीक है, वो यहाँ पर हमेशा वो चाहते हैं कि अपने हीरोइन की मासूमियत को प्रोटेक्ट करके रखें। देखते हैं आगे क्या होता है। और दूसरी चीज़ पर हमारे हीरो को जो है वो एक गलत फहमी हो गई है, वो ये कि उन्हें लगता है कि पीहू
जो है उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उन्हें नहीं पता कि उनके दोस्त की वो बहन है। हाँ, बट उनकी जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो बहुत उनको सुकून सा मिलता है, वरना तो वही सोच रहे थे OMG ये क्या हो गया मेरे साथ। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है ना। लेकिन अभी आगे किस तरीके से मिलेंगे, मिलेंगे भी तो चलो ठीक है, फिर उसके साथ कब इनकी शादी होगी, कब इनके बीच प्यार पनपेगा, क्या प्यार होगा या क्या होगा, कौन से दुश्मन जो हैं वो बीच में टांग अड़ाएंगे, या फिर कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, कौन सी मधुमक्खी आएगी, ये भी तो बहुत सारे सीन होते हैं ना। कोई नहीं, इन सब चीज़ों के साथ डील तो वो कर ही लेंगे, जब इतना सब कुछ कर लिया तो क्या ही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो डॉक्टर की फील्ड में उनको मधुमक्खियाँ मिलेंगी, बिजनेस की फील्ड में उनको राइवल्स मिलेंगे, ठीक है वो भी देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि तुम टॉप पर होते हो तो तुम्हारे जो है वो हर कोई तुम्हें गिराना चाहेगा, तुम माफिया में भी इन्वॉल्व हो तो जो माफिया वाले लोग हैं वो भी तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, तो तुम बचोगे कहाँ से। हमारी हीरोइन तो कितनी मुश्किल में फंस जाएगी यार, तीन तीन लेवल्स को, तीन तीन तरीके के लोगों को उनको डील करना पड़ेगा यार। वो इतनी मासूम है, बच्चा जो कोई बात नहीं कर लेंगी वो, उनको जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बनेंगी यार। हमारे हीरो जहाँ होते हैं वहाँ पर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं हमारी हीरोइंस, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये छुई मुई भी रहती हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारे हीरो हैं ही हैं और उनके भाई भी हैं तो हमारी हीरोइन के, तो वो भी देख लेंगे। बाकी हाँ, हमारी हीरोइन की दो फ्रेंड्स हैं जो कि उनको बहुत अच्छे से रखती हैं। अभी इनका जो है वो आगे इनको स्टडीज़ करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी कहानी तो मतलब बहुत बेसिक सी है, इस तरीके की कहानी हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पसंद है इस तरीके का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को जो है वो रोक रही हूँ स्टोरी को पढ़ने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है। लेकिन हमारी हीरोइन के साथ पास्ट कुछ ऐसा है उनका थोड़ा अटपटा सा, जिनकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी अजीब है, लेकिन क्या है और प्रॉपर चीज़ें क्या है वो तो आप लोग देखो यार, जब स्टोरी पढ़ोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। सारी चीज़ें तो मैं खोल कर नहीं रख सकती, लेकिन हाँ इमेजिनेशन तक रखना है कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो स्टोर करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉटबुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी रही बात टैक्स की जो कि मैं भूल गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें आप लोग को रोमांस देखने को मिलता है, फ्रेंडशिप गोल्स देखने को मिलते हैं, फैमिली गोल्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को कॉलेज लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा और डॉक्टरी वाली साइड, बिजनेस वाली साइड, माफिया वाली साइड, हर चीज़ आप लोग को जो है वो भर भर के देखने को मिलेगी। और रिवेंज तो होगा ही, क्योंकि इतने टॉप लेवल्स के लोग हैं तो भैया रिवेंज तो बनता ही है, वो होगा। और बाकी देखते हैं आगे और क्या चीज़ें होंगी, वो तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे, कौन से मधुमक्खी आती है, कौन से भंवरे आते हैं, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।